हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर 6 मंथ जब हम बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करते हैं, तब बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ होता है हर एक मदर के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आखिर अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बच्चों को खाना देने का सही उम्र क्या है। आफ्टर 6 मंथ आप बच्चों को खाना देना शुरू कर दें। शुरुआत में आपको बच्चे को बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है, इससे बच्चे जो घर का खाना खाना नहीं सीखते और उनको बाहर की चीज़ें खाने की आदत हो जाती है। इसलिए आप जितना हो सके शुरुआत का 1 साल कम से कम बच्चे को घर के खाने की चीज़ें आदत दिलाएं। आप बच्चा जब खेलते रहता है उस वक्त बच्चे के हाथ में कुछ खाने का दे दें। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको बच्चे को ग्राइंड करके बिल्कुल ऐसा खाना देना ताकि बच्चा जो उसे आसानी से निगल ले, क्योंकि उस वक्त बच्चे के टीथ नहीं होते, बच्चा चबाना नहीं जानता है। तो अच्छे तरीके से ग्राइंड करके दे। फ्रूट की प्यूरी सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा ओट्स को अच्छे से पाउडर बनाकर रख ले, साबुदाने का पाउडर बनाकर रख ले, दलिया बच्चे को खिलाए, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दे। अब हम बात करते हैं अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे को अपने हाथ से खाने दे। जब भी बच्चा खेलता रहता है उसके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर दे ताकि बच्चा जो है वो खाना सीखे, बच्चे को खाने की आदत हो। इसके साथ जब आप खाना खाते हो तो बच्चे को अपने साथ ज़रूर बैठाए, एक एक्स्ट्रा चम्मच देकर बच्चे को प्रोवोक करें कि हाँ बेटा ये खाओ ये खाओ ये खाओ, कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ें जो है बच्चे को रखे वहाँ पर ताकि बच्चा जो है उसे खाने की कोशिश करे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा जब खेलता है उस वक्त बच्चे के हाथ में आप एप्पल के स्लाइस दे दें, खीरा दे दें, बिस्किट दे दें या रोटी दे दें। ऐसे ही बच्चा शुरुआत में उसे काट तो नहीं पाएगा, बस उसे ऐसे ही सक करते रहेगा जिससे बच्चे को खाने में इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को बताएं कि हाथों से खाना होता है, बच्चे को हाथों का सही इस्तेमाल बताएं तो बच्चे जो है वो खाना सीखते हैं। जब आप बच्चों को खाना खिलाते हैं उस वक्त बच्चों के बर्तनों को थोड़ा अट्रैक्टिव रखें, कलरफुल रखें, यूटेंसिल्स जो उनके हैं वो थोड़े अलग अलग रखें ताकि बच्चा जो है उनमें इंटरेस्ट ले। लेकिन इसके साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए आप जितना उसके प्लास्टिक्स के बर्तन का कम इस्तेमाल करें और स्टील के बर्तन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बच्चे को बिठा सकते हो खिलाने के लिए और बच्चे को बोल सकते हो चलो आपको स्टोरी सुनाता हूँ, या फिर आप बच्चे से बातें कर सकते हो, उनको पोएम सुना सकते हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग ताकि बच्चा खाने में इंगेज रहे। आप बच्चे को इंगेज रखने की कोशिश करें। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें, बच्चे को खाने से पहले खाने के बाद अच्छे से हाथों को धुलाएं, बच्चे के मुँह को साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ अगर बच्चा बोतल फीड लेता है तो आप बच्चे की बोतल को भी अच्छे तरीके से स्टरलाइज कर ज़रूर करें, स्पेशली अभी बारिश चल रहा है तो अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखें ताकि बच्चे जो है वो बीमार ना।